मूवी की शुरुआत इंग्लैंड के लंदन शहर से होती है, जहाँ एक बार के सामने कुछ लोग अपनी मूविंग कार्ट लाइक गाड़ी पर थिएटर शो दिखा रहे होते हैं, जिस शो का नाम द इमेजिनेरियम ऑफ डॉक्टर परसुस होता है। इस शो में शो का होस्ट एंटन, एक ओल्ड मैन डॉक्टर परसुस, एक बौना नेम पर्सी और एक यंग गर्ल नेम वैलेंटीना दिखाई जाती है। फिर तभी पब से कुछ लोग नशे में बाहर आते हैं, जिनमें से एक बंदा नशे में धूत नीक और उस बौने पर्सी को धक्का देकर गाड़ी से गिरा देता है और वैलेंटीना के पीछे पड़ जाता है। पर वैलेंटीना उससे बचकर अपनी इस मूविंग कार्ट लाइक थिएटर में रखे एक प्लास्टिक फिल्म टाइम मिरर में घुस जाती है, जिसके पीछे पीछे वो बंदा भी घुस जाता है। अंदर का माहौल एकदम ही अलग होता है, जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हो। वैलेंटीना उस बंदे को ट्रिक करके उसे पंच मारकर मिरर से बाहर आ जाती है और फिर हम देखते हैं कि ऊपर से एक हाथ आता है जो उस बंदे को कुछ जेली बीन्स टाइप क्रीचर के बीच उठा ले जाता है और उसके चीखने चिल्लाने पर उसे छोड़ भी देता है, जहां वो किसी अननोन प्लैनेट या डायमेंशन में जाके गिरता है। लेकिन चमत्कार कारण से इतनी ऊपर से गिरने पर भी उसे चोट नहीं लगती। वहीं उसे मिस्टर निक्स लॉन्च बार दिखता है, जिसके अंदर जाने पर एक बड़े धमाके में वो बार ब्लास्ट हो जाता है, जिसके कारण शायद उस बंदे की भी मौत हो जाती है। और इधर डॉक्टर परसुस को भी थोड़ा झटका लगता है, जिन्हें वैलेंटीना संभालती है। अब यहाँ हुआ क्या, मिरर के पीछे दूसरा डायमेंशन था या कोई जादुई दुनिया? वहीं डॉक्टर परसुस कोई मजिशियन है या एलियन, ये हमें बाद में समझेगा। अब तक यहाँ पुलिस आ चुकी होती है, जो उस बंदे की तलाश करने के लिए उनकी मूविंग थिएटर लाइक गाड़ी की तलाश लेते हैं, जहाँ वो नशे में धुत बंदा नहीं मिलता। और डॉक्टर परसुस कहते कि शायद वो पीछे के दरवाजे से चला गया होगा। अब ये चारों यानी कि डॉक्टर परसुस, एंटन, वैलेंटीना और डॉग पर्सी शहर में किसी दूसरी जगह अपना शो लगाते हैं, जहाँ चुपके से एक बच्चा इनके थिएटर के उसी प्लास्टिक टाइप मिरर के अंदर प्रवेश कर जाता है, जिसे भागे से वैलेंटीना देख लेती है और निक को इशारा करती है। निक भी फिर अंदर प्रवेश कर जाता है और देखता है कि वो बच्चा किसी मैजिकल वीडियो गेम लाइक दुनिया में गेम खेल रहा होता है। वहीं अब बाहर बच्चे के पेरेंट्स परेशान होकर शोर मचाने लगते हैं। फिर डॉक्टर परसुस अपने थिएटर का एक पर्दा गिराते हैं, जिसमें रोल होकर वो बच्चा बाहर निकल आता है और उसके पेरेंट्स उसे लेकर चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि एंटन वैलेंटीना की उम्र पूछ रहा होता है, जहां वैलेंटीना शुरू में झूठ बोलती है कि वो 12 साल की होने वाली है, पर बाद में बताती कि वो कुछ दिन में 16 साल की हो जाएगी। डॉक्टर परसुस भी वैलेंटीना की 16 साल के होने को लेकर काफी चिंतित दिखाई देते हैं और वो वैलेंटीना को बुलाकर अपनी एक कहानी बताते हैं, जहां हमें हजारों साल पहले का समय दिखाया जाता है, जब डॉक्टर परसुस एक मॉन्क थे जो अपने शिष्यों को मॉनेस्ट्री में शिक्षा दिया करते थे, और तभी एक रहस्यमय इंसान उनसे मिलने आया था। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि मिस्टर निक थे, जो असल में डेविल यानी कि शैतान है। आगे डॉक्टर परसुस बताते हैं कि डेविल मिस्टर निक ने उनसे बैट लगाई थी और वो जानबूझकर हारा, जिससे बैट जीतने के कारण डॉक्टर परसुस अमर हो गए। वो आगे की कहानी बता ही रहे होते हैं कि तभी उनकी गाड़ी एक ब्रिज के बीच में रुक जाती है, जहां एंटन ये कह रहा था कि उसने किसी को डांस करते देखा। दरअसल उस पुल के नीचे एक इंसान को फांसी लगाई गई थी, जो अब भी जिंदा है क्योंकि उसके गले में एक गोल्डन पाइप फंसा था, जिसकी वजह से उसे सांस आ रही थी और फांसी देने पर भी नहीं मरा। ये लोग उस आदमी को भी अपने साथ ले जाते हैं। अगले दिन होश आने पर वो अपना नाम टॉमी बताता है और देखते देखते टॉमी भी अब इस थिएटर का हिस्सा बन जाता है और धीरे धीरे वैलेंटीना के करीब आने लगता है, जिसके कारण एंटन को थोड़ी जलन होने लगती है। शराब पीकर थिएटर शो करने की वजह से डॉक्टर परसुस को सर पर चोट लग जाती है और रेस्ट करने के दौरान उन्हें मिस्टर निक आके जगाते हैं और कहते हैं कि वैलेंटीना के 16 साल होने पर वो उसे ले जाएगा, क्योंकि डॉक्टर परसुस जो वैलेंटीना के पिता होते हैं, उन्होंने डेविल से कोई सौदा किया था। वो सौदा क्या था ये हमें आगे पता चलेगा। परसुस वैलेंटीना को डेविल को नहीं देना चाहते, जिसके लिए वो एक बार फिर डेविल से शर्त लगाते हैं कि जो भी दूसरे से पहले 5 सोल कलेक्ट करेगा, वैलेंटीना उसके साथ रहेगी। अब 2 दिन में वैलेंटीना का जन्मदिन होने वाला है, जिस दिन वो डेडलाइन पूरी होगी। यानी कि डॉक्टर परसुस ने अगर 2 दिन में मिस्टर निक से पहले 5 सोल कलेक्ट नहीं किए तो वैलेंटीना को मिस्टर निक ले जाएंगे। और हमें ये भी पता चलता है कि सोल कलेक्ट करने के लिए इमेजिनेरियम का प्रयोग किया जाता है, जो डॉक्टर परसुस के थिएटर में रखा वही प्लास्टिक मिरर है, जो डॉक्टर परसुस के मेडिटेशन करने पर एक्टिवेट होता है और इंसान को उसके इमेजिनेशन के वर्ल्ड में ले जाता है, जहां मिरर में जाने वाला इंसान की सोल या तो डेविल मिस्टर सोल कलेक्ट कर सकता है या
यार डॉक्टर पेरेंसिस। अगले शो में टोनी टिकट बेचता है और एंटन एक महिला को उसकी फ्रेंड के सामने जबरदस्ती उस मिरर में ले जाता है और इस वजह से कुछ लोग इनके पीछे पड़ जाते हैं, जिनसे बचने के लिए पर्सी कुछ पटाखे फोड़ता है और बचकर सभी लोग किसी सेफ लोकेशन पहुंच जाते हैं। मिरर में गई महिला अब मिस्टर निक के साथ हो जाती है, यानी कि उसकी सोल मिस्टर निक की हो गई। यहाँ वैलेंटिना को उसके पिता डॉक्टर पेरेंसिस अपने लाइफ का एक और किस्सा सुनाते हैं, जहाँ उनकी असिस्टेंट पर्सी को एक खूबसूरत लेडी कुछ पैसे देती है। जिस लेडी को देखकर डॉक्टर पेरेंसिस मोहित हो जाते हैं और उसे पाना चाहते हैं, पर वो काफी बूढ़े और महिला बिल्कुल यंग होती है। इसी इच्छा को डेविल पूरा करता है और अब हम यंग डॉक्टर पेरेंसिस को उस खूबसूरत महिला के साथ एक नाव में देखते हैं और वो बोट जिस नदी में तैर रही थी, वहाँ बहुत से मरे हुए जानवरों की लाश दिखती है और डेविल किसी प्राइस की बात करता है। जहाँ एज एन ऑडियंस हमें ये पता चलता है कि डेविल ने शायद डॉक्टर पेरेंसिस को यंग बनाने के लिए जानवरों की सोल मांगी होगी। ये कहानी सुनकर वैलेंटिना टोनी के पास चली जाती है, जहाँ वैलेंटिना के पिता भी आते हैं और टोनी उनसे ये कहता है कि वो इस थिएटर को अच्छे से चला सकता है, बस उन सबको थोड़े पैसे लगाकर थिएटर को मॉडर्न लुक देना होगा। अब मॉडर्न लुक देने के बाद ये सभी फिर अपना शो करते हैं और टोनी अपनी मीठी मीठी बातों में कुछ महिलाओं को रिहा कर उन्हें मिरर के अंदर जाने पर राजी कर लेता है और इस तरह चार महिला उस मिरर में चली जाती है और खुश होकर बाहर भी आ जाती है और इस तरह इनका शो खूब सारा पैसा भी कमाता है। दूर से मिस्टर निक ये सब देख रहा होता है, जहाँ पेरेंसिस इशारे में बताते हैं कि उन्होंने चार सोल कलेक्ट कर लिए जो इन्हें उन्हीं चार महिलाओं से मिली। फिर तभी कुछ गैंगस्टर्स वहाँ आ जाते हैं, जिनमें से एक गैंगस्टर शो कर रहे टोनी को पहचान लेता है। चार गैंगस्टर टोनी के पीछे पड़ जाते हैं और टोनी उनसे बचने के लिए उन मिरर में चला जाता है। ये चारों भी उसे पकड़ने के लिए अंदर आ जाते हैं, जहाँ एंटन भी आता है और उन सबकी बातें सुन लेता है, जहाँ गैंगस्टर्स ये कहते हैं कि टोनी ने उनके पैसे चुराए हैं और उसे वो पैसे देने होंगे। एंटन गैंगस्टर से टोनी को बचाने के लिए गैंगस्टर से लड़ने को तैयार होता है, जहाँ एक बंदा उसे बहुत जोरदार पंच मारता है जिससे एंटन की नाक से ब्लड आने लगता है और तभी जमीन फटकर डॉक्टर पेरेंसिस का विशाल सिर प्रकट होता है और उन चारों को अपने मुंह के अंदर प्रवेश करने के लिए सम्मोहित करने लगते हैं। लेकिन वो चारों भागकर एक बड़ी सी लेडी के अंदर चले जाते हैं, जहां एक बड़ा धमाका होता है और शायद उन चारों की वहीं मौत हो जाती है। लेडी का हेड दरअसल अलग होता है और हम देखते हैं कि उसके अंदर से मिस्टर निक निकलते हैं, यानी कि डेविल ने इन चारों की सोल्स भी कलेक्ट कर ली और पांचों सोल्स कलेक्ट करने के वजह से वो बेट भी जीत गया। टोनी और एंटन के बीच अब बातें होती है और एंटन इमेजिनेरिंग के बाहर आ जाता है और उसके पीछे टोनी भी। एंटन बाहर आकर वैलेंटिना को टोनी की सच्चाई बताता है कि वो एक चोर है जिसने गैंगस्टर के पैसे चुराए हैं और शायद उन्होंने ही उसे फांसी पर लटकाया होगा। फिर तभी इनकी गाड़ी के दरवाजे पर कोई नॉक करता है और जब पेरेंसिस बाहर जाते हैं तो वो देखते हैं कि डेविल मिस्टर निक उसी महिला के साथ खड़ा होता है जिसे एंटन जबरदस्ती मिरर के अंदर ले गया था। वैलेंटिना भी गाड़ी के बाहर आती है और मिस्टर निक को उस महिला के साथ जाते हुए देख लेती है और अपने पिता से सवाल करती है, जहां डॉक्टर पेरेंसिस बताते हैं कि डेविल से हुए डील के अनुसार उनकी कोई भी संतान जब 16 साल की होगी तो उसे डेविल ले जाएगा। वैलेंटिना उसी खूबसूरत महिला की बेटी है जिसे डॉक्टर पेरेंसिस पाना चाहते थे और दोनों साथ में बूढ़े भी हुए, पर 60 साल की उम्र में वो लेडी प्रेग्नेंट हो गई और बच्ची को जन्म देते हुए उसकी मौत हो गई, जो बच्ची और कोई नहीं बल्कि वैलेंटिनी है जो 16 साल की अब हो चुकी है। अब वैलेंटिना अपने पिता से गुस्सा हो जाती है कि उन्होंने ऐसी डील क्यों की और नाराज होकर वहां से चली जाती है। तभी टोनी आता है और डॉक्टर पेरेंसिस को फोकस करने को कहता है और मिरर में जाता है, पर वो इमेजिनरी दुनिया में नहीं पहुंचता। वो फिर वापस आकर उन्हें मेडिटेशन करके फोकस करने को कहता है। फिर तभी वहां वापस से वैलेंटिना आ जाती है, जिसको लेकर टोनी उस मिरर यानी कि इमेजिनरी में चला जाता है। वहां दोनों साथ में टाइम बिताते हैं, जहां टोनी एक फेमस आदमी होता है और वैलेंटिना उसकी पत्नी। तभी वैलेंटिना को एंटन की आवाज आती है जो उस इमेजिनरी की दुनिया में आ चुका होता है और उसके साथ में एक न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज होता है जिसमें टोनी के झूठे होने की खबर छपी होती है, जिससे टोनी गुस्सा हो जाता है और अब उसकी एंटन के साथ हाथापाई हो जाती है, जिसके तुरंत बाद वो इमेजिनरी दुनिया नष्ट होने लगती है और सब कुछ टूटने भी लगता है। एंटन अब किसी गहरे अंधेरे में गिरने लगता है और वैलेंटिना उसका हाथ पकड़कर ऊपर लाना चाहती है, पर वैलेंटिना से अपने प्यार का इजहार करने के बाद एंटन का हाथ छूट जाता है और वो उस अंधेरे में ही गिर जाता है। अब वैलेंटिना के सामने मिस्टर निक
प्रकट होता है और वैलेंटीना जो अपने पिता से नाराज है वो खुद ही डेविल को समर्पित कर देती है। एक आखिरी बार डेविल फिर से डॉक्टर पेरेंसिस से शर्त लगाता है कि अगर वो टोनी के सोल को उसे दे दे तो वो इसके बदले वैलेंटीना को आजाद कर देगा। डॉक्टर पेरेंसिस अपनी बेटी को बचाने के लिए टोनी को ट्रिक करके उसी गोल्डन पाइप को अपने गले में डालकर फांसी लगाते हैं और वो अंत में बच भी जाते हैं, जबकि टोनी पेरेंसिस के मुंह से निकली हुई गोल्डन पाइप को अपने गले में फंसाता है और कुछ लोग उसको फांसी लगाते हैं। और अब हम देखते हैं कि असली पाइप तो फ्रांसिस के मुंह में ही होती है और इस तरह डॉक्टर फ्रांसिस ये आखिरी शर्त जीत जाते हैं जहां वो डेविल से कहते हैं कि वो उनकी बेटी को वापस करे, पर डेविल ये बोलकर चला जाता है कि वो खुद अपनी बेटी को ढूंढे। फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर फ्रांसिस एक भिखारी बनकर लोगों से भीख मांग रहे हैं और तभी वैलेंटीना उन्हें भीख देकर आगे बढ़ जाती है। वैलेंटीना के पैरों में पायल जैसा कोई ऑर्नामेंट होता है जिसकी आवाज सुनकर डॉक्टर पेरेंसिस समझ जाते हैं कि यही उनकी बेटी है और उसको आसपास के शॉप्स में ढूंढने लगते हैं, जहां वैलेंटीना उन्हें एंटन के साथ दिखाई देती है जहां उन दोनों की एक बेटी भी होती है। और तभी पर्सी आ जाता है जो डॉक्टर फ्रांसिस से कहता है कि आप दूर से ही देखोगे या पास भी जाओगे, पर डॉक्टर फ्रांसिस मुस्कुरा देते हैं। और अब हम देखते हैं कि पर्सी और डॉक्टर फ्रांसिस बच्चों को छोटा मोटा शो दिखा रहे होते हैं और ये मूवी इसी हैप्पी एंडिंग के साथ समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।